Welcome back to my channel. So today's topic is virtue is knowledge, and side by side I am going to discuss Anaximander life is not worth living. So in what context he has developed his theory of knowledge or in what context he hold that virtue is knowledge. इसके लिए थोड़ा सा मैं बैकड्रॉप में जाऊंगा ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा. So that you will be in a position to understand it in better way. Actually, before Socrates ने कहा है कि virtue is knowledge. Socrates एक humanist था, लेकिन Socrates और Sophist they both were humanist. तो इनसे पहले there were band of philosophers, they were known as naturalists. सो ये नेचुरलिस्ट क्या होता है, नेचुरलिस्ट क्या होता है? नेचुरलिस्ट एक्चुअली वर द बैंड ऑफ फिलासफर्स हु वर बिजी इन डिस्कवरिंग इन ट्रेसिंग आउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स और ट्रेसिंग आउट द ओरिजिन ऑफ द नेचर. सो उनके लिए सेंटर ऑफ स्टडी क्या था? नेचर था. व्हाई? बिकॉज दे वर बिजी इन डिस्कवरिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स और द नेचर. ये दुनिया कैसे वजूद में आई, ये नेचर कैसे वजूद में आए, इन दिस वे दे वर नेचुरलिस्ट एंड देयर स्टडी सेंटर ऑफ स्टडी वाज नेचर. सो कितने बंदे थे इनमें? ये मतलब एक थैलीस था, दूसरा एनेक्सिमेंडर था. थैलीस कहता था कि वाटर इज द सोर्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ मैटर. तो एनेक्सिमेंडर कहता था कि एयर इज द सोर्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ मैटर इन दिस यूनिवर्स. सो वी कैन से इन दिस वे दे वर बिजी इन डिस्कवरिंग एंड ट्रेसिंग आउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. सो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा. तो उसके बाद ह्यूमैनिस्ट ने इनको काउंटर किया, कहा इट इज बेटर, it is not much important to know the origin of the universe, to discover the nature कि ये कायनात वजूद में कैसे आई, but it is important to know to discover the things which will help man to lead a good life. यानी कि इंसान गुड लाइफ कैसे गुजारे उस चीज़ पे हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, खोजना चाहिए. सो ये कौन कहते थे? ये ह्यूमैनिस्ट कहते थे. इट मीन्स कि सेंटर ऑफ स्टडी उन्होंने किसको बनाया? मैन को. इवन कि सोफिस्ट कहते थे मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग. सो सेंटर ऑफ स्टडी किसको बनाया इन्होंने? मैन को बनाया. मैन को लेके स्टडी होने लगी कि मैन के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, उन मैन को मतलब कैसे पावर में आना चाहिए, क्या करना चाहिए, या व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ गुड लाइफ फॉर मैन. सो इट बिकेम द मैन बिकेम द सेंटर ऑफ स्टडी. अब जब व्हेन मैन बिकेम द सेंटर ऑफ स्टडी, सो व्हाट हैपेंस इज सोफिस्ट पुट देयर ओन वर्जन ऑफ थॉट और Socratic put their own version of thought. So there is bit difference. अब चूंकि man is the center of study, ये कहते थे, Sophist कहते थे कि power is virtue. Power, यहाँ से ये knowledge is virtue इसने derive किया है. Sophist क्या कहते थे? Power जो है वो virtue है. Power जो है, एक virtue का मतलब हो गया positive trait, good quality, we can say good quality. अब समझना इस चीज़ को, पावर एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी गुड क्वालिटी है जिसकी वजह से इंसान कंफर्टेबल लाइफ गुजारता है, जिसकी वजह से इंसान पैसा कमाता है, ग्लोरी कमाता है. इन दिस वे पावर क्या है? पावर इज़ अ वर्च्यू. व्हाई पावर इज़ वर्च्यू? बिकॉज इट इज़ due to power we are in a position to earn the money, we are in a position to earn the fame, to earn the glory. So in this way they hold that power is virtue. इसी को काउंटर करता है Socrates, कहता है नो, पावर इज नॉट वर्च्यू, पावर इज नॉट गुड क्वालिटी. व्हाई पावर इज नॉट गुड क्वालिटी? ये क्या कहता है? ये कहता है नॉलेज इज वर्च्यू. ये क्यों कहता है Socrates? अब देखो, सोफिस्ट कहते हैं पावर इज वर्च्यू. व्हाई? बिकॉज इट इज ड्यू टू पावर वी आर इन ए पोजिशन टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ. Socrates कहता है नो, पावर इज नॉट वर्च्यू, बल्कि पावर इज ए मैनिस. इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं. व्हाई? ये कहता था कि नॉलेज वर्च्यू है, ना कि पावर वर्च्यू है। वाई पावर इज नॉट वर्च्यू? अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स पावर इज लिमिटेड गुड, पावर इज ए लिमिटेड गुड, एंड मनी इज लिमिटेड गुड। ये कहते थे पावर और मनी की वजह से क्या होता है, गुड लाइफ, हम कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हैं। लेकिन सॉक्रेट क्या कहता है? सॉक्रेट कहता है भाई तुम टीचिंग दे रहे हो कि पावर इज ए वर्च्यू, पावर एक गुड क्वालिटी है। वो टीचिंग नहीं है, बल्कि वो तुम कौम का कत्ल कर रहे हो। कैसे? वो सॉक्रेट्स कहता है कि पावर और मनी जो है ये लिमिटेड गुड है। लिमिटेड गुड का मतलब ही है कि ये लिमिटेड इन नेचर है। वाई? क्योंकि मनी की बात करेंगे, मनी लिमिटेड है, हर एक के पास पैसा नहीं होता है। मतलब सम आर रिच, सम आर पुअर। सो इफ मान लो ये यहाँ पे ये मनी है, ए बंदा, बी बंदा भी इस मनी को चेज करेगा, सी डी एक्स वाई जेड भी इस मनी को चेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इट इज लिमिटेड इन नेचर। व्हाट विल हैपन, इस मनी को पाने के लिए ये पहले आपस में लड़ेंगे, ये बंदे आपस में लड़ेंगे, फिर जो बचेगा वो इस मनी को हासिल करेगा। इन दिस वे सॉक्रेट्स क्या कहता है? सॉक्रेट्स कहता है कि ये जो है मनी ये लिमिटेड इन नेचर है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इन द सेम वे इफ एवरीवन विल ट्राई टू एक्वायर द पावर, स्टिल यहाँ पे जो मनी की मैंने एग्जांपल दी, इसको हम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो ये पावर है, हर एक इस पावर की गद्दी को अपनाना चाहेगा, तो लोग क्या करेंगे? फर्स्ट दे हैव टू वेज ए वार इन ऑर्डर टू एक्वायर दिस पावर। सो इन दिस वे थिंग्स विच आर लिमिटेड इन नेचर, व्हेन पीपल आर एडमेंट टू अचीव सच थिंग्स, व्हाट हैपेंस इज कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। इन दिस वे सॉक्रेट कहता है कि पावर वर्च्यू नहीं है, पावर एक मैनिस है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो वो कहता है इट इज नॉलेज विच इज वर्च्यू, नॉलेज एक अच्छी क्वालिटी है। नॉलेज क्या है? एक अच्छी क्वालिटी है। अगर आपके पास नॉलेज होगा, आप कभी भी लिमिटेड चीजों की तरफ, मनी या पावर की ओर नहीं भागोगे, अगर आपके पास नॉलेज होगा। ये दो नॉलेज की बात करता है, एक नॉलेज बेस्ड ऑन ओपिनियन, और दूसरा ये रियल नॉलेज की बात करता है। नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन ओपिनियन इज बाउंड टू चेंज, वो चेंज होगा। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। अर्थ रिवॉल्व्स, यू नो, इन ओल्ड टाइम्स थ्योरी वॉज डोमिनेटेड, इट इज सन विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी केम टू नो इट इज द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, विच इज नाउ यूनिवर्सल फैक्ट, विच इज ट्रू नॉलेज, लेकिन जो पुराने जमाने की नॉलेज थी, it is sun which revolves around the earth, that is the knowledge based on opinion that is bound to change. simple example दे रहा हूँ। और real knowledge क्या है? It is earth which revolves around the sun, वो कभी change नहीं होगा, it is scientifically proved now. So that is what the real knowledge is all about, knowledge which will not change. अब कैसे इसके how to gain the real knowledge, that is the matter of question. According to Socrates, we can achieve the real knowledge, through dialectics. Dialectics. What is this dialectics now? Dialectics is nothing but putting question for argument. For example, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने, एक बंदा है ए, वो चाहता है कि इंडिया में हिंदू राज होना चाहिए, हिंदू लाज होने चाहिए। एक बंदा है वो मुस्लिम है, वो कहता है शरिया लॉ होना चाहिए। ये है थीसिस, और मुस्लिम ने काउंटर थीसिस किया, काउंटर किया, उसको एंटीथीसिस कहते हैं। और इन दो के डिबेट एंड डिस्कशन से एक तीसरी बात निकल के आई, सोचा हम दोनों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं यहाँ पे, इसलिए ना हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और ना मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए देश। सो ये सेकुलर जो है, let's suppose that according to Socrates this is the true knowledge, it is not bound to change। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। इसी तरह मतलब ये कहता था हाउ टू गेन द रियल नॉलेज, हाउ टू गेन द ट्रू नॉलेज through debate and discussion, logical arguments we will achieve, finally we will achieve what, true knowledge। For example, पुराने ज़माने में क्या था, as I told you the example, it is the earth which revolves, it is the sun which revolves around the earth, लेकिन after lot of debate and discussion, counter argument, what we came to know, no, it is not the earth which revolves around the sun, but it is sorry, it is not the sun which revolves around the earth, but it is earth which revolves around the sun। That is what the true knowledge is all about। I hope you got it। So how to gain the true knowledge? Through dialectics। So through dialectics we will gain the true knowledge। What is this true knowledge now? What is this? What is this true knowledge now? What is this true knowledge now? True knowledge, as I told you, is not supposed to change। One, this true knowledge, ये कहता था कि true knowledge, ये actually ये ethics की बात कर रहा था। ये कहता था कि one should have the knowledge, one should have through debate and discussion हमें क्या पता करना चाहिए, सही क्या है और गलत क्या है। ये कहता था through debate and discussion, through dialectical method we should know what is right and what is wrong। So when we will know what is right and what is wrong, ये कहता था कि जब इंसान को इस चीज़ का पता चल जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो इंसान कभी गलत कर ही नहीं सकता। वो कहता था vice is due to ignorance, इंसान गलतियां इसलिए करता है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि ये गलत चीज़ है। लेकिन जब इंसान थोड़ा डायलेक्टिकल प्रोसेस आर्ग्यू करेगा, उसको पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है, वो कभी गलत करेगा ही नहीं। और संस्कृत में इसको ज्ञान कहते हैं। मतलब जो महात्मा बन जाता है तो उसको ना कभी गुस्सा आता है ना कभी वो गलत करता है। सो इन द सेम वे अ पर्सन when he will come to know what is right and what is wrong, so he will never commit wrong things। That is what the true knowledge is all about। ये कहता था, इसका एक statement है, वो statement ये है कि it is equally important to become a good shoemaker, एक अच्छा craftsman भी बनो, shoemaker भी बनो, and it is equally important to become a good person। यानी कि आपने गुड इन आर्ट भी रहना है और गुड पर्सन भी रहना है। आप गुड पर्सन कैसे बनोगे, थ्रू ट्रू नॉलेज। और ट्रू नॉलेज क्या है, ट्रू नॉलेज इज ए वर्च्यू, ट्रू नॉलेज इज ए क्वालिटी, ट्रू नॉलेज इज ए गुड क्वालिटी। और जब आपको ट्रू नॉलेज होगा, सो यू विल, बिकॉज ट्रू नॉलेज इज ए क्वालिटी, इट इज ए गुड क्वालिटी। व्हेन यू आर हैविंग ट्रू नॉलेज यू विल नेवर कमिट रॉन्ग, यू विल नेवर कमिट क्राइम। सो अब देखो, जब इसके नजदीक जब इंसान में ट्रू नॉलेज आ जाएगा, उसको राइट और रॉन्ग का पता चलेगा, तो वो गलत कभी नहीं करेगा बल्कि वो हमेशा सही करेगा। इट मीन्स एथेंस में जब लोग पावर ग्लोरी और मनी के पीछे भागते थे ना, सॉक्रेट्स ये कहना चाहता है कि पावर ग्लोरी और एंड मनी के पीछे भागना गलत चीज है। जब उनको ट्रू नॉलेज आएगा कि पावर ग्लोरी एंड मनी ठीक चीज नहीं है, दे आर नॉट गुड थिंग, सो व्हाट दे विल डू, दे विल रन आफ्टर व्हाट, दे विल मतलब पावर ग्लोरी और मनी का जब पता चल जाएगा लोगों को वो गलत चीज है, दे विल लीव दैट पाथ। एंड व्हाट पीपल विल डू, people will do right things। What is right thing now? मतलब सॉक्रेट्स के नजदीक पावर ग्लोरी और मनी के पीछे भागना गलत चीज है, गलत चीज है। जब लोगों में ट्रू नॉलेज आएगा वो राइट कंडक्ट करेगा, वो इथिक्स पे चलेगा, वो राइट वो कभी गलत नहीं करेगा, उसको एथिकल गुड भी कहते हैं, वो गुड पर्सन बनेगा। पर्सन विल बिकम अ गुड पर्सन। वाई? बिकॉज जब इंसान में when a person will be in a position to acquire the true knowledge, he will leave the path of power, glory and money। जैसे बुद्धा ने छोड़ दिया था, उसके पास पावर भी था, ग्लोरी भी थी और मनी भी थी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ट्रू नॉलेज उसने क्या किया? पावर, ग्लोरी एंड मनी छोड़ दिया और वो राइट कंडक्ट की तरफ आ गया। वही चीज सॉक्रेट्स कहता है, वी शुड लीव पावर, ग्लोरी एंड मनी। जो सॉक्रेट्स कहते हैं कि वो वर्च्यू है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? हमें नॉलेज एक्वायर करना चाहिए। अब मैं थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा? एक चीज और मैं बताऊंगा। सॉक्रेट्स कहता था जब हम राइट कंडक्ट पे चलेंगे, व्हाट वी विल अचीव, जब हम राइट चीजें, जब हम when we will do good things, when we will follow the path of righteousness, we will never commit wrong, what we will achieve, we will acquire happiness। हम happiness, इसको यूडीमोनिया भी कहते थे, happiness, when we will acquire happiness, that is the ultimate goal of every human। हर एक चाहता है कि वो लाइफ में खुश रहे। तो वही बात है कि ये कहता था do good you will be happy। so what is good now? Good is true knowledge। What is true knowledge now? True knowledge is virtue, good quality। How to acquire the true knowledge? Through dialectics। अब मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि इसने किस कंटेक्स्ट में ये कहा था। थोड़ा सा सोफिस्ट क्या कहते थे? पावर इज वर्च्यू, पावर इज वर्च्यू। ओके, तो ये कहते थे कि जिसके पास पावर है वो कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकता है, जिसके पास पैसा है वो कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकता है। सॉक्रेट्स ने कहा गलत बोल रहे हो आप, इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। उसने कहा नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू। जिसके पास ट्रू नॉलेज होगा वो ये पावर शावर छोड़ देगा, गौतम बुद्धा की तरह। वो किस चीज के पीछे भागेगा? वो एथिकल गुड के पीछे भागेगा, सही और गलत के पीछे भागेगा और सही चीजें करेगा। जब इंसान को सही और गलत का पता चलेगा वो गलत चीजें छोड़ देगा और वो सही चीजें करना शुरू करेगा, और उसको क्या होगा? उसको खुशी महसूस होगी। और खुशी जो है वो अल्टीमेट एम है हर एक ह्यूमन का। इसलिए पावर, ग्लोरी और मनी से क्या होता है? मनी से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तो इसलिए पावर कभी गुड क्वालिटी हो ही नहीं सकती, पावर कभी वर्च्यू हो ही नहीं सकता। इट इज नॉलेज विच इज वर्च्यू, क्योंकि नॉलेज से पीस आता है, नॉलेज से हम वी डू राइट कंडक्ट, हम अच्छी, हम नॉलेज से क्या होता है? हम वी आर इन अ पोजिशन टू रिकग्नाइज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वी लेफ्ट द रॉन्ग पाथ एंड we stay on right path, that is what the virtue is all about। Why? In this way knowledge is virtue। hum knowledge is virtue because of knowledge, because of true knowledge। jab hamare paas true knowledge aata hai hame virtue ka pata chalta hai, hame virtue ka pata chalta hai ya good quality ka pata chalta hai। jab hame good, aur ye kaise pata chalta hai? through dialectics ka pata chalta hai, dialectics se। और जब हमें डायलेक्टिक्स से वर्च्यू का पता चलता है कि वर्च्यू क्या चीज़ है, गुड क्वालिटी क्या चीज़ है, सो हमें क्या उससे पता चलता है थ्रू डायलेक्टिक्स से, वर्च्यू क्या चीज़ है, गुड क्वालिटी क्या है। जब हमें इस चीज़ का पता चलता है हम राइट कंडक्ट पे चलते हैं, राइट कंडक्ट, हम गलत नहीं करते। जब हम राइट कंडक्ट पे चलते हैं, व्हेन we walk on right conduct, what we achieve? happiness। in this way knowledge is virtue, knowledge is good quality। it is due to knowledge, it is due to knowledge there is peace। why there is peace? because अगर हमारे पास ट्रू नॉलेज है हम पावर, ग्लोरी और मनी के पीछे नहीं भागेंगे जो लिमिटेड गुड है, हम बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागेंगे जो अनलिमिटेड है। ऑनेस्टी के पीछे भागेंगे फॉर एग्जाम्पल, जो अनलिमिटेड है। हम राइट और रॉन्ग की पहचान करेंगे, हम राइट चीज़ों के पीछे भागेंगे, हम राइट पाथ पे चलेंगे। वो यही कहता था इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू बिकम अ गुड शू मेकर एज वेल एज बिकम अ गुड मैन. सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.